नमस्ते दोस्तों, अगर आप कोई एडवेंचर या ट्रिप के लिए जाते हैं तो आपको पता होगा कि एक अच्छा गोप्रो केस कितना इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए आज हम आपके लिए लाए हैं यूलांजी के तरफ से एक केस जो कि बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके गोप्रो किट प्रोटेक्शन के लिए। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूलांजी के G94 केस के बारे में जो कि एक GoPro Hero 10 और 11 के लिए बनाया गया है। तो अगर अनबॉक्सिंग की बात करें तो पहले हम इस केस को ओपन करते हैं। और ये है हमारा एक्चुअल केस और अंदर बॉक्स में हमें कुछ कागज़ मिलते हैं और एक लेंस प्रोटेक्टर मिलता है। तो ये है एक्चुअल केस जिसका मॉडल नंबर है G94। सबसे पहले इस केस की बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये केस बहुत ही ड्यूरेबल है और इसका बिल्ड क्वालिटी काफी सॉलिड है। इसमें आपको गोप्रो को अच्छे से प्रोटेक्ट करने के लिए शॉक प्रूफ मटेरियल का यूज किया गया है। अगर इस केस की डिजाइन की बात करें तो इसका यूनिक डिजाइन आपके गोप्रो को एक प्रीमियम लुक देगा और इसका शेप भी आपके गोप्रो के लिए बहुत कंफर्टेबल है और इसके साथ आप अपने गोप्रो को इजीली कैरी कर सकते हैं कहीं पर भी। अब बात आती है कि इस केस को आप अपने गोप्रो के साथ कैसे यूज करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले ये जो गोप्रो है, ये गोप्रो हीरो 10 है, तो सबसे पहले इसका जो साइड डोर है उसको आपको ओपन करना पड़ेगा। तो इसको पुल करके ये ओपन हो गया, ये बैटरी डोर, और धीरे से आपको इसको रिमूव कर देना है इस डोर को। उसके बाद अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक स्लाइडर दिया हुआ है और यहाँ पे एक एरो इंडिकेशन मार्क है। अगर आप इसको यहाँ ऐसे करेंगे तो इसका जो डोर है ये ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह, और सामने के इस डोर को ओपन करने के लिए यहाँ पर भी एक एरो मार्क है। अगर मैं फोकस करूं तो आप देख पाएंगे यहां पर एक एरो मार्क है। इसको अगर मैं यहां पे पुल करूं तो ये भी ये ओपन हो जाएगा। और इसके बाद अपने गोप्रो को आप इसके अंदर बड़ी आसानी से स्लाइड कर दे सकते हैं और इसको जेंटली प्रेस करना होगा और आपको ये एक लॉकिंग साउंड सुनाई देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सामने का जो पोर्शन ये लॉक हो गया है और ये साइड का भी आपको एक क्लिकिंग साउंड सुनाई देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इस अपने गोप्रो को इस केस के अंदर माउंट कर दिया है। तो ये जो प्रोटेक्शन है इसे आप रिमूव भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसको जेंटली ऐसे बाहर की तरफ निकालना होगा और ये बाहर आ जाएगा। अगर आप अपने गोप्रो को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो ये जो कवर है इससे आप अपने लेंस को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अगर आप इस कवर को अपने लेंस के ऊपर लगा देते हैं तो आपके लेंस के ऊपर कोई स्क्रैचेस नहीं आएंगे। तो मैं फिलहाल इसे रिमूव कर देता हूं। इस केस का सबसे अच्छा फीचर है कि आप अपने इस गोप्रो को कहीं पर भी माउंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक अलग से स्क्रू लेना पड़ेगा। ये देख सकते हैं ये एक स्क्रू है, तो इसको माउंट करने के लिए पहले आपको ये निकाल देना होगा और इसमें आप बड़ी आसानी से अपने इस गोप्रो को माउंट कर सकते हैं इस स्क्रू के हेल्प
हेल्प से। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक थ्रेड है, इस थ्रेड की हेल्प से आप कहीं पर भी या किसी ट्राइपॉड पे भी आपके गोप्रो को माउंट कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो आप इस केस के ऊपर अपने एक्सटर्नल माइक या एक्सटर्नल लाइट भी माउंट कर सकते हैं और ये डिटैचेबल है, आप चाहे तो इसे रिमूव भी कर सकते हैं और यहाँ पर सिर्फ आप अपना एक्सटर्नल माइक माउंट कर सकते हैं। और नीचे की तरफ यहाँ पर आप अपने एडाप्टर को रख सकते हैं, जो कि गोप्रो का अलग से एडाप्टर अगर आप लेते हैं तो एक्सटर्नल माइक अटैच करने के लिए, तो आप जो ये USB टाइप सी है यहाँ पर कनेक्ट करके आप अपने एडाप्टर को यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं और उसी के साथ आप अपने एक्सटर्नल माइक को भी अटैच कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि केस का इंस्टॉलेशन बहुत ही इजी है, आपको सिर्फ अपने गोप्रो को इस केस में स्लाइड करना है और ये रेडी टू यूज हो जाएगा। इस केस के अंदर आपको एक स्पॉन्ज भी मिलता है जिससे आप अपने गोप्रो को अच्छे से फिट कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये था Ulanzi G9 IV केस के बारे में। इस केस की प्राइस और बाइंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप चाहे तो इसे परचेज कर सकते हैं और ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा आपके गोप्रो के लिए। इसका बिल्ड क्वालिटी और यूनिक डिज़ाइन काफ़ी इम्प्रेसिव है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मैं आपको इस केस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे पाया हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।